2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ आगाज किया था, उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 2019 आते आते पार्टी के लिए इतनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मोदी सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी जैसे साहसिक कदम उठाए और बीजेपी एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती रही। चार राज्यों को छोड़ दे तो बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लगभग पूरा हो गया है, लेकिन पिछले एक साल में राजनीति ने बड़ी करवट ली है। कांग्रेस समेत जब विपक्ष को लगने लगा कि बीजेपी का वो अकेले सामना नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में महागठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। कई धुर विरोधी दल एकजुट हो गए और 2019 का लोकसभा चुनाव अब मोदी बनाम पूरा विपक्ष हो गया है। विपक्ष की रणनीति साफ है कि किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनका मुकाबला सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और शानदार रणनीतिकार अमित शाह की जोड़ी से है, जिन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हारी बाजी को जीतकर दिखाया है। चाहे वो गुजरात चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति जैसे चुनाव, मोदी अमित शाह की नजर अब 2019 के चुनाव पर टिकी हुई है। दिल्ली में चल रही दो दिवसीय बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 को जीतने का एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिससे तमाम विपक्षी पार्टियां उलझकर रह जाएंगी। कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव जीतने का बेहद आसान फॉर्मूला बताया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की 19 राज्यों में सरकारें हैं जहां पर चुनाव जीतने में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी दूसरे नंबर पर है जहां एंटी इनकम्बेंसी का फायदा पार्टी को मिल सकता है। इस बैठक की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला और कहा कि गठबंधन सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। आज महागठबंधन के बारे में बात करते हैं, उसको अध्यक्ष जी ने क्लियरली दो तीन शब्द में क्लियरली वर्णन किया, उसको ढकोसला बोले, भ्रांति बोले और ये पूरे झूठे विषयों के आधारित है, इसे भी वर्णन किया महागठबंधन को, ढकोसला, भ्रांति और नॉट ढकोसला आई वॉश और फॉल्सहुड। ढकोसला आई हैव आल्सो लुक्ड इनटू द डिक्शनरी बिफोर आई केम हियर, बट सो और ये भी सच है कि यही बात पार्टी, सॉरी भ्रांति इज मिराज और इल्यूजन, ढकोसला, भ्रांति, फॉल्सहुड, बेस्ड ऑन फॉल्सहुड एंड झूठ आधारित। और ये भी बोले कि इन महागठबंधन में जो भी पार्टियां आ रहे हैं उन हर एक के साथ बीजेपी लड़ करके जीत कर भी आए 2014 के बाद भी, सो ऐसे एक पार्टी भी नहीं है उसमें जिसके साथ बीजेपी का आमना सामना नहीं हुई और हम उससे भी जीत कर निकले। इसीलिए महागठबंधन इज नथिंग विच इज गोइंग टू बी मेकिंग अ डिफरेंस। बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि बीजेपी 2019 के चुनाव में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के आधार पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम इस तरह से एनआरसी को लागू करेंगे कि एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं आ पाएगा। बीजेपी जहां मेकिंग इंडिया की बात करती है तो वहीं कांग्रेस ब्रेकिंग इंडिया करने की कोशिश कर रही है। अगर भारत देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे मेक इन इंडिया स्कीम एंड ऑल्सो मेक इन इंडिया का प्रयत्न सभी तरफ से हो रही है, इसका कॉन्ट्रास्ट में कांग्रेस पार्टी ने ब्रेक इन इंडिया कर रही, ये अध्यक्ष जी का कहना था। एक तरफ से इतनी सारे अभियान के द्वारा
मेक इन इंडिया स्कीम सिर्फ मात्र नहीं है, गांव तक पहुंच करके इंडिया को बनाने वाले काम में अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, मेकिंग इन इंडिया, मेकिंग इंडिया अगर हमारे तरफ से चल रही है, ब्रेकिंग इंडिया चल रही है कांग्रेस की तरफ से। ये है कांग्रेस। कांग्रेस आजकल आइडेंटिफाई करती है उनके अपने आप को ब्रेकिंग ग्रुप के साथ। अमित शाह के फॉर्मूले के मुताबिक अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो विपक्ष कितना एकजुट होने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोक नहीं पाएगा।